अनम्यूट वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं लखविंदर सिंह गिल इस वेले असी मोहाली के सैक्टर 91 दे विच खड़े हाँ जिथे गुरद्वारा श्री नानक दरबार साहिब विखे श्री गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश पुरब दिहाड़े नूं समर्पित आ जिहड़ा धार्मिक समागम उलीकिया गया जिथे वख वख धार्मिक शख्सियतां पहुंचियां ने और उत्थे ही वड्डी शमूलियत विच संगतां भी इत्थे नतमस्तक होण लई पहुंचियां ने। तां साडे नाल इत्थे गुरद्वारा साहिब के मुख सेवादार राज फूल सिंह जी ने उन्हां नाल गलबात करदे आ और इस दे नाल ही भाई दविंदर सिंह जी पहुंचे ने जिहड़े के सोहाणा साहिब तों पहुंचे ने। उन्होंने कीर्तन सुनाए ने संगतां नूं कीर्तन सरवण कीते ने। उन्हां नाल गलबात करदे आ। धन गुरु नानक साहिब ने तीन तरह के सानू सिद्धांत जिहड़े कराए ने किरत करो नाम जपो वंड के छको ते संवाद करो। हर थां ते कहिंदे सीगे विचार जरूर करिया करो। इक उन्होंने जीवन की जुग दसी है असीं जे सत्यार होना है। उन्होंने इको पंक्ति दे सानू कंप्लीट दसती किव सचारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल कूड़ की दीवार तोड़ने असं सचार होना आए हैं। इको साडा टारगेट है उहदे लई सानू की कह हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल उहदे रजा जो वरत रहे हैं पाणी दे विच उहनू सत करके मिलांगे सचार हो जाएंगे। इक गुरु नानक साहिब ने किहा जी साडी कृपा किवें होगी मौके का दरवाजा किवें खुलूगा। जपजी साहिब च उन्होंने किहा सानू चार काम करने पैणगे फिर कि अग्गे रखी है जित दिसै दरबार असी भेटा की रखी उहदे दर्शन हो जाण मोह के बोलन बोली है जिस सुन तरे प्यार सानू अपनी गोट उठा लवे। तो गुरु नानक साहिब कहिंदे चार काम करोगे तुहाडे ते कृपा होनी होनी है बख्शिश होगी होगी दरवाजा खुलूगा खुला। एक अमृत वेले उठना पैना भाई साहब कहिंदे सी अमृत वेला तां संभालिया जाणा सी 9:30 बजे आराम करांगे 5-6 घंटे आराम करके 2:30 बजे इशनान करके चौकड़ा मार के बैठ जाओ। दूसरा सतनाम दो पंजा प्यारे ने वाहगुरु मंत्र बख्शिया भाई साहब कहिंदे सी घट्टो घट अद्धा घंटा जोड़ करिए वध जिन्ना मर्जी करो। तीजा वटियाई का कोई शब्द पढ़ लो सिफत वाला ते चौथा विचार करो। जे तुसीं चार काम नेम ना करोगे गुरु नानक साहिब कहिंदे करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार पिछले चंगे कर्म किए शरीर रूपी कपड़ा मिलिया ते चार काम करोगे नदरी की नज़र वरतूगी बख्शिश का मीह पैना मौके का दरवाजा खुलूगा जी। तो हुण साडे नाल ने गुरु घर के मुख सेवादार फूल राज सिंह जी उन्हां नाल भी गलबात करदे आ। सर बहुत बहुत स्वागत है जी अनम्यूट ते। धन्यवाद जी बहुत बहुत अनम्यूट वालियां दा जिहड़े साडे हर त्यौहार नूं हर फंक्शन नूं हर गुरपुरब नूं रिकॉर्ड करदे ने। संगतां पहुंचियां ने वड्डी शमूलियत विच वख वख धार्मिक शख्सियतां भी पहुंचियां ने की कहना चाहोगे की संदेश देना चाहोगे गुरु साहब के प्रकाश पुरब के मौके। ये असीं वडभागे हाँ गुरु महाराज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का साडे ते आशीर्वाद है कि साडे गुरद्वारा नानक दरबार विच जिन्हां नूं असीं याद करदे हाँ जिन्हां नूं असीं बेनती करदे हाँ संगत रूप वह साडे जरूर पहुँचदा है। अज तुसीं देख रहे हो साडा जिहड़ा प्रोग्राम है गुरु नानक दरबार का आगमन पुरब की खुशी से बाबा जी दे पिछले 2 तरीक तो लगातार प्रभात फेरियां चलदियां आ रही ने सवेरे 4 बजे तो लैके 6:30 तक संगत नाम सिमरन और वख वख घरां दे विच जाकर नाम सिमरन करदियां ने। अज उन्हां दी समाप्ति हुई है। अज शाम का दीवान भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी खालसा जो कि खन्ने वाले सुहाने वाले ने भाई साहब भाई साडे बहुत ही सत्कार जो पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी के प्रवसाए हुए दविंदर सिंह जी उन्होंने तुहाडे सामने अज 1 घंटा संगतां नूं निहाल किया अपने दीवान शब्द कीर्तन नाल महाराज चरणां नाल जोड़िया। कल का जो प्रोग्राम है कल सवेरे 4 बजे तो लैके 6 बजे आसा जी की वार क्योंकि आसा जी वार का बहुत वड्डा महत्व है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जदों आनंदपुर साहब का किला छड्डिया सीगा बहुत संकटमय समां सीगा पिछे मुगलों ने पहाड़ी राजा ने अपनी सहुं तोड़ के उन्हां ते अटैक किया सीगा हल्ला बोलिया सी साहिबजादा अजीत सिंह जी तो उन्हां नाल कुछ सिंघां ने उन्हां नूं रोकिया सीगा सरसा नदी जदों पार की पार करन तो बाद इन्ने संकटमय समां दे विच भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हुक्म किया भी आसा जी वार का कीर्तन किया जाए लेकिन पूरा आसा जी वार कीर्तन सरवण करके बहुत नुकसान भी होया उत्थे सरसा नदी दे विच लेकिन गुरु साहब का हुक्म है आसा जी वार का कीर्तन जरूर सरवण करो। कल नूं सवेरे 4 बजे तो लैके 6 बजे तक गुरुद्वारा नानक दरबार साहब विखे आसा जी वार का कीर्तन चलेगा। उस तो बाद अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे 15 तरीक नूं अखंड पाठ साहब की समाप्ति है जिहदे विच वख वख भाई साहब भाई रमनदीप सिंह जी हजूरी रागी माई भागो इस्त्री साधक सभा बीबा जसप्रीत कौर जी भाई साहब भाई हिरदेजीत सिंह जी भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी बाबा बकाला हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जो कि साढ़े पटियाले वाले साढ़े चेचे तौर पर पहुँच रहे हैं उन्होंने सारे आपां बाणी राही और इतिहासक विचार राही संगतों को निहाल करेंगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਨ ਮਿਊਟ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।